स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ ये पांच महारथी आईपीएल 2021 में नए टीम के साथ जुड़ने वाले हैं बीसीसीआई ने किया बड़ा खुलासा आईपीएल का मेगा ऑक्शन में नए टीम आने वाले हैं जिस टीम का मालिक होने वाले हैं सलमान खान नहीं तो आधानी ग्रुप नहीं तो टी सी एस टाटा ग्रुप आइए दोस्तों जि नए टीम के साथ जो जो क्रिकेटर जुड़ सकते हैं उनका डिटेल्स में अभी आपके सामने शेयर करता हो दोस्तों ये बहुत सारे सोर्स से खबर निकाल के आ रहा है जहाँ पे दोस्तों अहमदाबाद लायंस के रूप में एक है टीम आ सकता है दोस्तों इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर ऐसे में दोस्तों कौन कौन है वो क्रिकेटर मैं अभी आपके सामने सबसे मेन पांच क्रिकेटर का नाम शेयर करने जा रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों नाम आता है जॉस बाटलर का दोस्तों जॉस बाटलर एक खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज है राजस्थान रॉयल्स में खेलने वाला जोस बटलर ने अकेले दम पे मैच विजेता बनाने का क्षमता रखते हैं दोस्तों 2020 आईपीएल में जोस बटलर ने सबसे तेज तरार पैंतीस बॉल में पचहत्तर रन का पारी खेला था जिसमें उन्होंने 10 गगनचुंबी छक्के भी जड़े थे जोस बटलर मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे बैटिंग करते हैं इंग्लैंड टीम का ये दो हजार विकेट कीपर बहुत ही अच्छे फॉर्म में 2021 आईपीएल में बैटिंग कर सकता है ऐसे में दोस्तों आप कमेंट करके बताइए क्या राजस्थान रॉयल्स टीम के साथ जोस बॉडलर को रहना चाहिए न नए टीम के साथ जोड़ना चाहिए अगले दोस्तों जो नाम आता है वो होता है सुरेश रायना मिस्टर आईपीएल के नाम पर प्रसिद्ध है सुरेश रायना सुरेश रायना आईपीएल में पाँच हज़ार से ज़्यादा रन बना चुके हैं ऐसे में दोस्तों सुरेश रैना का आई में दो शतक भी है चेन्नई सुपर किंग का कई साल वाइस कप्तान और गुजरात लाइन का कप्तानी करने वाले सुरेश रैना के पास इंटरनेशनल मैच का काफ़ी अच्छे अनुभव है ऐसे में दोस्तों अकेले दम पे भी सुरेश रैना भी मैच जीता पारी खेल सकता है सत्ताईस बॉल में सतासी रन का थापड़ पारी खेलकर अपने टीम को विजेता बनाया था सुरेश रैना इनके अलावा सुरेश रैना ने आईपीएल में अभी तक पैंतीस अर्धशतक जड़ चुके हैं उनका स्ट्राइकर रेट हमेशा 140 के ऊपर रहते आई पी में सुरेश राना ने 335 से ऊपर छक्के जड़ चुके सुरेश राय इस बार अहमदाबाद लायन जो नए टीम आ रहा है उनके साथ जरूर जुड़ सकते हैं और कप्तान का भूमिका निभा सकते हैं ऐसा में सुरेश राय पर अपना क्या राय है क्या नए टीम के साथ जुड़ना चाहिए न चेन्नई सुपर किंग के साथ रहना चाहिए ज़रूर आप कॉमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट दोस्तों नाम आता है रशीद खान ऐसे में दोस्तों सनराइज़ हैदराबाद का रशीद खान का बॉलिंग बहुत ही लाजवाब होते हैं आई पी में रशीद खान ने 10 रन खर्च करते हुए चार सफलता हासिल किया था आई में रशीद खान ने अभी तक 80 मुकाबला खेल चुका है जहां पे दोस्तों उन्होंने एक विकेट अपने नाम कर लिया है रशीद खान का इकोनॉमी रेट बहुत ही कम रहता है और समय आने पर रशीद खान बहुत ही सुंदर फील्डिंग और बहुत सुंदर बैटिंग भी करना जानते हैं ऐसे में दोस्तों नए टीम के साथ रशीद खान आ सकता है क्योंकि दोस्तों सनराइज़ हैदराबाद डेविड वर्नर मनीष पांडे और केन विलियमसन को रिटर्न करने वाले हैं ऐसे में इस क्रिकेटर नए टीम के साथ जुड़ेगा ना सनराइज हैदराबाद के साथ ही रहेगा अपना राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएगा नेक्स्ट दोस्तों नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का ग्लेन मैक्सवेल एक तूफानी ऑलराउंडर है हालांकि दोस्तों 2014 के बाद इस क्रिकेटर ने इस अंदाज में बैटिंग नहीं किया है अगर आप देखिए आईपीएल में सबसे ज्यादा पारी तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने 30 गेंद का सामना करते हुए 95 रन का तूफानी बैटिंग करके दिखाया था अंतिम कुछ ओवर में आपको मैच जीता पारी देखना है तो ग्लेन मैक्सवेल ही दिखा सकते हैं ऐसे में ये दिग्गज ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलियन टीम का होके टी में एक रन का पारी भी खेल चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल एक तूफानी क्रिकेटर है और इनमें कोई भी शक नहीं है ऐसे में किंग एक्सेल पंजाब इस क्रिकेटर को रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल नए आईपीएल टीम के साथ जरूर जुड़ने वाले हैं ऐसे में दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कौन सी टीम में अब ग्लेन मैक्सवेल को देखना पसंद करेंगे क्या नए टीम के साथ देखना पसंद करेंगे ना पुराने टीम के साथ जरूर कमेंट कीजिएगा अब दोस्तों नेक्स्ट जो खिलाड़ी है उनका नाम है हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार ऑलराउंडर और, और दोस्तों मुंबई इंडियंस का जान है हार्दिक पांड्या जी हार्दिक पांड्या जी अपने लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं अगर अंतिम दो ओवर में पचास रन भी चाहिए होता है तो ये मैच को विजेता बनाने का क्षमता केवल हार्दिक पांड्या के है अगर दो ओवर में आपको साठ रन भी बनाना है तो हार्दिक पांड्या कर सकता है 2020 आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने लास्ट कुछ मैच में 300 से ऊपर स्ट्राइकर रेट लेकर बैटिंग किया था हार्दिक पांड्या ने 2020 आईपीएल में कुल मिला के सत्ताईस गगनचुंबी छक्के जड़े थे उनमें एक छक्का तो एक 106 मीटर का था आईपीएल की कैरियर की बात किया जाए तो हार्दिक पांड्या ने 215 छक्के जड़ चुके हैं हेलीकॉप्टर शॉट भी हार्दिक पांड्या जड़ना जानते हैं है और ऐसे में दोस्तों मुंबई इंडियंस शायद हार्दिक पांड्या को रिटर्न कर सकता है तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि हार्दिक पांड्या को मुंबई में ही रहना चाहिए या तो नए टीम के साथ जोड़ना चाहिए जरूर अपना राय कॉमेंट करके बताइए और मैंने जो पाँच क्रिकेटर का नाम आपको बताया जॉर्ज बाटलर सुरेश रैना रशीद खान ग्लेन मैक्सवेल और हार्दिक पांड्या इनमें से आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है जरूर कमेंट करके बताइएगा